किचन का काम तो कंप्लीट करना है जैसे भी हो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बचे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी 9 बज चुके हैं और आज मुझे जाना है कश्मीर के ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। अभी तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। जॉकेट हाईनेक देख के तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितना ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग थोड़ा कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूँ। माता रानी पे भरोसा है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ ये दौर भी बीत जाएगा, तो फिलहाल अभी चलते हैं। अभी दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गया है, गोप्रो जो है अपना ये चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। इसका बैटरी डाउन हो चुका है, ख़राब हो चुका है पूरा। मैंने इसको चार्ज में लगाया था सुबह से लगभग 2 घंटे, फुल चार्ज बतला रहा है, फिर भी जब मैं इसे वीडियो शूट करता हूँ तो अपने आप बंद हो जाता है। अभी दोस्तों मैं आ गया इस वाले साइड पे, जो नज़दीक वाला अपना साइट है यहाँ पे। पहले यहीं पे आके घूम लेते हैं। एक साइड तो बंद ही हो गया, वो लोग चले गए घर, और यहाँ भी आज कंप्लीट करना है और सबको घर निकल जाना है कल। वार्डरोब का तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है और ये है किचन। किचन का काम तो कंप्लीट करना है जैसे भी हो, तो ये आज हो जाएगा कंप्लीट। तो ये लोग भी चले जाएंगे, बचूंगा मैं। तो मैं यहाँ से हिसाब किताब करके क्लाइंट लोगों से मैं भी निकलूँगा। दशहरा में हम लोग सोचे थे कि घर पर जाएँगे, थोड़ा माता रानी का आशीर्वाद लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। कभी गाती बांधते हैं तो कभी पगड़ी बांधते हैं। खाली ड्रावर का काम रह गया है, हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मस्त चाय बन गया, दूध वाला स्पेशल चाय। और ये लोग घर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और ये जो है देखिए, इनका कोई सामान वामान नहीं है, कोई लगेज नहीं है, जैसा है बॉडी पे ऐसे ही बस फ्री फंड इनको चले जाना है। ये तो अच्छा है, इनको सामान वामान का टेंशन नहीं है, कहीं भी किसी भी ट्रेन में घुसेंगे और चले जाएंगे। जो है वो बॉडी पे ही है। यहाँ से मस्त मैंने चाय पी लिया, अब चलते हैं नॉन स्टॉप और वहीं पे मिलते हैं। तो अभी फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हाजीबल गांव में। ये है हाजीबल गांव, उधर से है। पहाड़ों में पास पास में घर नहीं होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे पेंटर लोग लगे हुए हैं, खिड़की में डीको पेंट कर रहे हैं, डीको पेंट। तो यहाँ पे अपना ये वुड पार्केट का काम हो गया है कंप्लीट। ये सब वुड पार्केट है, इधर से भी इस पर भी वुड पार्केट हो गया है। और इसमें ऐसा डिजाइन हुआ है टीवी के लिए, ये वार्डरोब स्लाइडिंग डोर वाला बेड, और सीलिंग में ऐसा डिजाइन। और इधर बाथरूम में ये वाला बनाया है काउंटर ऐसा। और यह है फायर पैलेस वाला रूम, तो इसमें भी ये सब हो गया कंप्लीट। अपना काम तो हो गया सारा कंप्लीट, इस पे लगाना है पर्दे का एक्सेसरीज। इधर तो सीधा है तो सीधा रॉड लग गया, बट यहाँ पे गोल है। हॉल में भी अपना काम हो गया है सारा कंप्लीट, पेंटर लोगों का काम है खाली। और लॉबी में देखिए ऊपर से ऐसा स्टेयर दिख रहा है, ये देखिए गोल एकदम नीचे तक, और सब में ऊपर कट हुआ है। इस राउंड विंडो में कर्टन के लिए इसको लगाना है, तो अभी इसको फटाफट से फिट कर देते हैं इसमें, उसके बाद फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अकेला हूँ, कैसे मैं इसको फिट करूँगा और ब्लॉग करूँगा? एक आदमी और होता तो कर सकता था। तो इसको मैंने फिट कर दिया, ये आर्च वाले खिड़की के लिए यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसका जो पर्दे वाला हुक है, इसमें देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, ये इसमें व्हील लगा हुआ है देखिए। तो यहाँ पे तो अपना काम हो गया, तो अब क्लाइंट का वेट करते हैं। वो होटल में चले गए हैं, यहाँ पे है नहीं। अब होटल से उनको मैंने फ़ोन किया था, वो बोले कि आ रहे हैं, अब देखते हैं कितने देर में आएंगे। वैसे तो 1 घंटा बतलाए हैं, वो वेट करते हैं उनका। मैं यहाँ पे 12 बजे पहुँचा, आधा घंटा लगा मुझे वो पर्दे का एक्सेसरीज फिट करने में। तब से मैं यहीं पर बाहर बैठा हुआ हूँ, और अभी टाइम हो गया है 03:08, अभी तक नहीं आए। वेट करते हैं, क्या ही करें। कल तो मेरे सारे जितने भी टीम है मेरी, कारपेंटर्स फैमिली, वो सब चले जाएंगे जो बचे हुए हैं वो। अब मैं अकेले रह जाऊंगा, अब सारा हिसाब किताब करके पेमेंट जो है सो लेके आऊंगा। स्कूल वाला तो पेमेंट दे ही नहीं रहा है, क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल वाला, वो बोलता है दूंगा ही नहीं। क्या करे दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। 52,000 है उसके पास। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो चिड़िए होते हैं, ये बर्ड्स भागते नहीं है। देखो अपने अगर ऐसे थोड़ा सा भी नज़दीक में जाएंगे तो उड़ जाएंगे वो,
और यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ पे है ना, यहाँ पे चिड़ियों को मारते नहीं है ना, इसीलिए देखो कैसे दिख रही है, देखो कितने मजे से खा रही है। अब जल्दी अब भाग गई उधर जा कर बैठ गई। यहाँ से भी अपना हिसाब किताब हो गया, थोड़ा सा पेमेंट रह गया यहाँ पे 7000 जो बोल रहे हैं कि अगले साल देंगे। जाते हैं घर पे तो फ़ोन उन करेंगे, मजबूरी बात करेंगे मजबूरी, कुछ अगर दे देंगे तो ठीक ही है। इस टाइम थोड़ा परिस्थिति मेरा डाउन हो गया है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, नहीं तो ऐसे ऐसे 7000-6000 के लिए मैं पीछे नहीं भागता हूँ। क्लाइंट है, काम कराते हैं, इन्हीं के बदौलत तो हम लोग यहाँ पर कमाते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं यहाँ से, अब डायरेक्ट श्रीनगर मिलते हैं। 05:26 और मैं पहुँच गया हूँ माँ गाँव। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। समोसे हैं, पकौड़े हैं, मट्ठी है, इसको मट्ठी बोलते हैं, ये वाला है। समोसे आ गए, यहाँ से मस्त चाय पी लिया और चलते हैं। आज तो ठंड ने मुझे हिला दिया दोस्तों, बहुत काफ़ी ठंड लग गया है बाइक पे। ये मैं रूम हीटर चला के बैठा हूँ, बिल्कुल हिल गया हूँ ठंडी से आज। अभी मैं आ गया इस वाले साइड पे, अब जा रहे हैं सब्जी और चावल लाने। और यहाँ पे तो ताज़ा ताज़ा सब्जी आया है, कद्दू है, गोभी है, टोमेटो है, पोटैटो है, धनिया है, ये हमने सारा सब्जी ले लिया, आ जाएगा इसमें, आ गया। इसे बोलते हैं घर जाने का जुनून। अभी टाइम हो गया है 10:04 और किचन का देखिए सारा काम हो गया कम्प्लीट, खाली डिश रैक लगा देना है, बस हो गया ये। और ये भी है, ये तो मतलब नामुमकिन था होना, बट ये भी हो गया। यहाँ पे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, अब ये लोग कल चले जाएंगे घर और मैं देखता हूँ, अगर कल हिसाब हो गया तो मैं परसों निकल जाऊँगा। अब चलते हैं रूम पे, बिल बनाना है यहाँ का, अंधेरी रात है, टाइम हो गया है 10:10। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच गया रूम पे और ये मैंने रजिस्टर निकाल लिया है सब, तो अभी करते हैं हिसाब किताब और बिल उनको व्हाट्सअप कर देंगे। कल अगर पेमेंट मिल जाएगा तो मैं परसों का टिकट निकाल के घर पे मैं भी चला जाऊंगा, ये लोग तो कल जाएंगे ही। टाइम हो गया है 10:25, तो देर रात तक मुझे जागना पड़ेगा, लगभग 12-1 भी बज सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।